हेलो गाइज, आई वेलकम यू टू एक्सप्लोर एजुकेशन एन इनोवेटिव वे ऑफ लर्निंग। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो जल शक्ति अभियान के बारे में और जल शक्ति स्कीम फॉर वाटर स्टार्व्ड एरियाज अभी अभी रिसेंटली हुआ क्या है, यानी कि जो तमिलनाडु स्टेट है, हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट है, वहाँ अभी ये देखा गया है कि जो पानी की बहुत कमी है और ऐसे में वहाँ ड्रॉट जैसी परिस्थिति आ गई है। तो ऐसे में हमारे जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है वो एक नया स्कीम लाया है, और ये जो स्कीम को बोला जा रहा है कि जल शक्ति स्कीम, और ये जो जल शक्ति स्कीम इसके तहत कुछ योजना बनाया जाएगा, और कि जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हो या रेन वाटर को कैसे संरक्षित किया जाए, तो ऐसे में बहुत सारे स्कीम को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जैसे कि ये जो पानी को इस वर्षा ऋतु में जैसे संरक्षित किया जाएगा और ऐसे ज़रूरत टाइम पर जैसे लोगों को दिया जा सकता है। तो आइए लॉट नो लॉट डिस्कस और जानते हैं इसमें क्या है। एवरी ड्रॉप्स मैटर, ये जो प्रेशियस ड्रॉप्स है इसको उल्लेख किया गया है। और ये जो जल शक्ति अभियान है, ये जो हमारे देश में जैसे कि वाटर कंजर्वेशन और उसके साथ जो इरिगेशन एफिशिएंसी को बढ़ावा देगा। तो ऐसे में आपको सामने ये जो मैप दिख रहा है, तो इस मैप पे ये जो रेड और येल्लो कलर में आपको दिख रहा है, और ये जो येल्लो कलर में दिख रहा है, ये है बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट से जहाँ ये जो इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, और ये जो महत्वाकांक्षी जो डिस्ट्रिक्ट से इन्हों इस डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो जल शक्ति अभियान को अपने जो कामकाज में लिया जाएगा, और ऐसे में ये जो रेड कलर में है उसको आगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये जानते हैं डिटेल्स है इसके बारे में। तो उसका जो प्रोग्राम्स के डिटेल्स है, जल शक्ति अभियान इज ए टाइम बाउंड मिशन मोड वाटर कंजर्वेशन एंड इरीगेशन एफिशियंसी कैंपेन फॉर वाटर सिक्योरिटी इन रूरल इंडिया, यानी कि ये रूरल इंडिया में इसका फोकस किया जाएगा। और ये जल शक्ति अभियान विल रन फ्रॉम जुलाई 1 टू सेप्टेम्बर 15, 2019, यानी इस साल, यानी आज है जो 28 जून, और जो जुलाई एक से इसका जो प्रारंभ किया जाएगा। तो ऐसे में ये चलेगा सितंबर 15 तक। तो ऐसे जुलाई 1 से सितंबर 15 तक क्यों चलेगा, इसको आपके जो इसका एक आसान आंसर ये है कि इसी बीच हमारे जो आता है मानसून आता है, तो इसमें हमारे जो साउथ ईस्ट एंड जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो इसी बीच ये आता है। तो ऐसे में अगर हम कुछ वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, या फिर अगर हम जो कुछ जैसे रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, तो ऐसे ये मुमकिन हो सकता है। और ये जो इसी टाइम के बीच, यानी कि जुलाई 1 से लेकर सितंबर 15 तक, इस टाइम में हमारे जो देश के सारे जो ऑफिसर्स हैं, उसके साथ जो ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट्स हैं, उसके साथ जो साइंटिस्ट एंड जो पर्टिकुलर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल्स है, यानी कि वही जो स्टेट्स है जहाँ ये वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है, तो इसमें ये सभी मिलकर काम करेंगे। और कैसे वाटर को कंजर्व किया जाएगा, उसको रिसोर्स को ठीक से मैनेजमेंट किया जाएगा, और इरीगेशन के एफिशियंसी की पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इसके बारे में ये सभी मिलकर काम करेंगे। तो इसके साथ देखते हैं कि जो इंटरवेंशन एरियाज वो कौन कौन है। ये जो जल शक्ति अभियान में उनका जो काम काज होगा वो क्या क्या होगा, कि वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसके बारे में हमने पहले से डिस्कशन किया है। उसके साथ रिनोवेशन ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि वही सभी वाटर बॉडीज जो पहले से था लेकिन कुछ वजह से, जैसे पॉल्यूशन हो या फिर कुछ जैसे जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज के वजह, वो सभी जो अभी उसको रिनोवेशन किया जाएगा। उसके साथ ऐसे कुछ जो बोरवेल है और उसके साथ जो रिचर्ज स्ट्रक्चर्स है उसको भी रिनोवेशन किया जाएगा। और कुछ वाटर सेट डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे जो जल विभाजिका होता है उसको कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके साथ हमारे जो जो फॉरेस्ट होता है, यानी कि उसको कैसे अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, यानी कि जो वनीकरण का प्रोग्राम होता है उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। तो ये सभी उसका प्रोग्राम में आता है।
फ्रेंड्स, अब आइए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसको कुछ ऐसे जो कुछ मिनिस्ट्री को मिलाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया है। तो ये सभी मिनिस्ट्री कौन है, जैसे कि उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये सारे जो है था जो मिनिस्ट्री, इन सभी को मिलाकर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया है। और ये इट इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। यानी कि ये सबसे जो ऊपर का जो बॉडी होता है हमारे देश में, अगर कोई जैसे कि कोई और जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया, हमारे देश में जो वाटर को रेगुलेशन करने के लिए और अगर उसको कुछ डेवलपमेंट चाहिए तो इसमें ये जो मिनिस्ट्री काम करता है। और इसको जो फॉर्म किया गया था वो है था 1985 में। जो हमारे देश में जो जल यानी कि वाटर आता है वो एक स्टेट इशू है। हमारे जैसे में कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ हमारे स्टेट का इशू होता है, कुछ हमारे जो सेंटर का इशू होता है और कुछ बोथ शेयर करते हैं। तो ऐसे में वाटर स्टेट का इशू आता है। तो ऐसे में भारत में काफ़ी सारी नदियाँ एक दूसरे स्टेट में बहते हैं, तो ये स्टेट का काम होता है कि वो कैसे कौन नदी के ऊपर कौन से एरिया में किसका अधिकार रहेगा। तो ऐसे में ये जो जल शक्ति अभियान है हमारे देश के 255 जो सेंट्रल आईएएस ऑफिसर्स है उनके साथ हमारे कुछ जैसे मिनिस्टर्स मिलकर ये काम करेंगे। और वो मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, जैसे स्पेस, पेट्रोलियम और डिफेंस का मिनिस्टर भी हो सकता है। ये जो जल शक्ति अभियान है हमारे जैसे पिछले साल हुआ था जो ग्राम स्वराज अभियान, इसके मॉडल को फॉलो करेगा। और ये ग्राम स्वराज मॉडल क्या था, ये था कि इसमें जो 7 फ्लैगशिप को इम्प्लीमेंटेशन किया गया था हमारे देश के जो 117 जो डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आइए जानते हैं कि ये जो जल ग्राम स्वराज अभियान क्या है। ये जो ग्राम स्वराज अभियान है इसको जो 14th अप्रैल से लेकर जो 5th मई तक जो 2018 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये जो ग्राम स्वराज अभियान है उसको हमारे जो संविधान के निर्माता जो अंबेडकर जी है उनके जयंती पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी जान लेते हैं। और उसका जो कैंपेन है वो है सबका साथ सबका गाँव सबका विकास। यानी कि ये जो हमारे गाँव के जो निचले स्तर पर ये काम करता है। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज टू प्रमोट सोशल हार्मोनी, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रो पुअर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, रीच आउट टू पुअर हाउस होल्ड टू एनरोल देम एज ऑल्सो टू ऑब्टेन देयर फीडबैक ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स। यानी कि ये हमारे जो जैसे गाँव में यानी कि सोशल हार्मोनी कैसे, यानी कि समाज में कैसे सोशल हार्मोनी रहे, एक दूसरे के साथ जो सद्भावना रहे, तो इसके लिए ये काम करता है। और ये जैसे कि हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कीम होता है उसको कैसे कि जो उसके बारे में लोगों को बताए, उसको स्प्रेड अवेयरनेस एंड अबाउट प्रोप्योर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कैसे जो लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ये इसके बताने के लिए ये जो कैंपेन हुआ था। और ये भी जो लोगों के पास पहुंचता है और उनको बताता है कि वो उनका काम क्या है सरकार के प्रति। तो ये हमारे देश में जैसे मनरेगा की प्रोजेक्ट चल रहा है, और मनरेगा की फुल फॉर्म आपको पता होगा शायद कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और ये जो मनरेगा में ये सभी काम होता है जो ये जल शक्ति अभियान करने वाला है। तो मनरेगा में भी वाटर हार्वेस्टिंग होता है, कंजर्वेशन एंड बोरवेल रिचार्ज जैसे एक्टिविटीज होता है। तो ऐसे में ये जल शक्ति अभियान भी वही काम करेगा। और ये जो जल शक्ति अभियान का जो मिशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा एक मोबाइल ऐप के द्वारा। और ये मोबाइल ऐप जो आने वाले दिनों में आ सकता है। और उसका जो वेबसाइट है वो है indiawater.gov.in। और ये जो जल शक्ति अभियान है उसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए टीवी, रेडियो, प्रिंट, लोकल और सोशल मीडिया में भी उसका जो कैरी ऑन किया जाएगा। और उसके साथ कुछ सेलिब्रिटीज है वो जो इसका अवेयरनेस का कैंपेन भी चलाएंगे। और ये जो 255 जो ऑफिसर्स है और उनके साथ जो है मिनिस्टर्स है, ये सभी मिलकर वो सारे एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में और ब्लॉक में जाएंगे। और उनके लिए लगभग
वो थ्री ट्रिप उनके लिए करना होगा, और उसके साथ वो उनका जो तीन जो ग्रस्त रहेगा उसके साथ ये तीन दिन में होगा कम से कम, ये बोला जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मोटिवेट अस टू मेक बेटर वीडियोज़, थैंक यू।